बापू हल्ला बोल, बोल बापू हल्ला बोल, बोल बापू हल्ला बोल, बोल बापू हल्ला बोल, बोल बापू हल्ला बोल। जब सगाई एक दिन होती, ब्याह एक दिन होता है, एक ही घर में होता है, सचिवालय के बाबू और मंत्रालय के बाबू, जब इनकी परीक्षा एक दिन होती है, एग्जाम एक दिन होता है, ज्वाइनिंग सब सारा सिस्टम सेम है, मतलब बाबू ही वो है, बाबू ही हम है। आज एक बार फिर हम पहुंचे हैं शिप्रापथ पर, जहां पर मंत्रालय कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, और आज 41 दिन हो चुके हैं। इन 41 दिनों में इन कर्मचारियों ने न जाने क्या क्या सहा है, कुदरत की मार सही है, अपने कुछ साथियों को खोया है, कई साथी इनके हॉस्पिटल में हैं। खबर तो ये भी है, हालांकि नवतेज टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है, हम इनसे ही जानेंगे, एक इनके साथी को ब्रेन हेमरेज भी हुआ है। इन तमाम परिस्थितियों से जूझते हुए, कुदरत से लड़ते हुए आज 41 दिन ये लगातार संघर्षरत हैं। आश्वासन इन्हें मिला था, उस आश्वासन का क्या हुआ वो भी जानेंगे। हमारे साथ राज सिंह जी मौजूद हैं। राज सिंह जी, आज 41 दिन हो चुके हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, कई साथियों को आप खो चुके हैं इसी धरने प्रदर्शन के दौरान, कुछ अभी हॉस्पिटल में है, और सूचना यह है कि किसी एक व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज भी हुआ है, और आश्वासन आपको मिला था 3 दिन का कि 3 दिन के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, उस आश्वासन का क्या हुआ और अब आगे आपकी क्या रणनीति है? वो 3 दिन कल खत्म हो गए, आज हमने उस दिन उनको कहा था भाई दो दिन और भी इंतजार करेंगे। कल प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई थी, उसमें भी हमने डिसाइड किया है, और सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जल्दी से जल्दी आदेश जारी किया जाए, नहीं तो आज हमने से मन से घोषणा की है कि 1100 आदमी आमरण अनशन पर बैठेंगे सोमवार से, और फिर हम किसी पे विश्वास नहीं करेंगे, हम फिर विश्वास आदेशों पे करेंगे। सरकार के ये है कि यहाँ से उठ के जब जाएंगे, जब आदेश मिल जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पर कम से कम 4 बार पंडाल पूरा डैशमैस हो गया, यहाँ लग भी गई, कईयों की चोटें भी आई है, यहाँ से बैनर हेमरेज हो गया, एक हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन कर्मचारी यहाँ से आदेश लेके जाएगा, बिना आदेश नहीं जाएगा, आश्वासन नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ बैठा हुआ कर्मचारी। 41 दिन हो जाए, 50 दिन हो जाए, 60 दिन हो जाए, लेकिन आश्वासन नहीं, आदेश। क्या किसी और राजनीतिक पार्टी ने आप लोगों को अप्रोच करने की कोशिश की? राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है, हमें पता है कि मुख्यमंत्री जी जो गहलोत जी जो जननायक है, उनसे ही आशा है हमें, और पार्टी से हमारे कोई पार्टी पॉलिटिक्स का मंच नहीं है, ये ओनली मंत्रालय कर्मचारियों का मंच है, और इसमें हम किसी को भागीदार भी नहीं होने देंगे, क्योंकि जो अभी सरकार है, हमारे जो मुखिया हैं, परिवार के मुखिया अशोक गहलोत जी हैं, और उन्होंने पहले भी दिया है, और हमें पता है कि वो ही देंगे, और कोई दे भी नहीं सकता, इसलिए हमें उन पर विश्वास है। अब ये कितने दिन चलता है आंदोलन, जब तक हमारे आदेश नहीं हो जाए जब तक। तो हमारे साथ राज सिंह जी थे, कुछ और महिलाएं भी हैं हमारे साथ, उनसे भी हम जानेंगे कि 41 दिन के बाद अब आगे और कितने दिन ये यहाँ पर बैठेंगे। आज 41 दिन पूरे हो चुके हैं, कुछ साथी आपके यहाँ से हम ये कहना ये है कि कुछ साथी छोड़ चुके हैं आप लोगों को, मृत्यु कुछ लोगों की हो चुकी है, कुछ हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कई गंभीर बीमारी से भी पीड़ित हो चुके हैं, आगे अब क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि जो 3 दिन का जो आपको आश्वासन मिला था वो तो खत्म हो चुका है, अब आगे क्या रणनीति रहेगी? अभी भी हम इसी उम्मीद से बैठे हैं कि गवर्नमेंट से हमको कुछ आश्वासन मिले या कुछ पॉजिटिव न्यूज आए, हम इसी उम्मीद से बैठे हुए हैं, हम अपनी उम्मीद नहीं तोड़ने वाले, और जितने दिन होगा उतने दिन तक बैठे रहेंगे, पर यहां से हम अपने राइट्स और जस्टिस जो हम जिसके लिए लड़ रहे हैं वो पूरे करके ही निकलेंगे यहां से, और यहाँ पर बहुत सी जाने भी गई है, जो हम जिसको मेटेरियल बोलेंगे, जो हमारे यहाँ से गए हैं, जो भी जान यहाँ से गई है, वो सब एक तरह से फ्रीडम फाइटर्स की तरह कहलाएंगे। और कुदरत का कहर भी यहाँ पर आप लोगों ने झेला है, और कई कई बार आपके तंबू यहाँ पे उखड़े हैं, लेकिन उनको फिर से आपने मजबूती से उन्हें वापस से लगा दिया, और उसी मजबूती के साथ आप यहाँ पर बैठे हैं, क्या कहें?
हाँ, हमारे जो यहाँ भाई लोग हैं जो पूरे जिलों से आए हुए हैं वो रात में भी यहाँ पर रुकते हैं, उन्हीं की जज्बे की वजह से ये टेंट हमारा रोज जितनी बार गिरता है उतनी बार वापस खड़ा हो जाता है, जिसके लिए हम मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है हमारे जो भाई हैं यहाँ पर सब उनके लिए ये, और ये चीज़ हम अब और आगे इसका जज्बा और बढ़ता जा रहा है, जितनी तकलीफें आ रही है उतने ही हम और मजबूत हो रहे हैं और हम आगे और आगे हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमें कुछ पॉजिटिव ही मिले और जिसके लिए हम डटे हुए हैं वो जरूर पूरा हो। आगे क्या रणनीति रहने वाली, क्या इस आंदोलन को आगे किस तरह से लेके जाएंगे? हम अभी भी गांधीगिरी में ही है और हम गांधीगिरी में ही चाहते हैं कि ये चीज़ चलती रहे। अब हम 2-3 दिन और वेट कर रहे हैं सरकार की तरफ से कुछ पॉजिटिव आए, अगर 2-3 दिन में नहीं आता है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सी.ए. राज सिंह जी जो हमें आदेश देंगे उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, हम उनके आदेश के बिना कुछ नहीं करते और उन्हीं के आदेश से हम आगे चलेंगे। हमारी मांगे सरकार जल्दी से। आपने सुना कि जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि अब आगे जो भी प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह जी है वो जो भी आदेश देंगे उस अकॉर्डिंग अब इस आंदोलन को लेके जाएंगे, और राज सिंह जी से भी हमने बात करी थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम कुछ एक दिन हम और देखेंगे, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर उसके बाद हम एक फैसला लेंगे कि इस आंदोलन को किस प्रकार से आगे ले जाना है, अगर आमरण अनशन भी करना पड़े तो वो भी करेंगे, लेकिन अब बिना लिखित आश्वासन के यहाँ से नहीं जाएंगे और किसी और की बातों पर हम विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिखित आदेश पर ही हम यहाँ से उठेंगे। कुछ और साथी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानेंगे कहाँ से आए सर आप। सर जयपुर से ही हूँ मैं, शिक्षा विभाग से। 40 दिन हो चुके हैं है ना, काफी कुछ आप लोगों ने देखा है, अब आगे क्या? देखिए सरकार से पूरी उम्मीद है और मैं आपको बताऊं सरकार से आज भी वार्ता हुई है, जो धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ हैं जो सरकार के मीडिएटर हैं, तो सीएम साहब ने बहुत सी बार जो ज्ञापन दिए हमने अलग अलग जिलों में, उन्होंने स्पष्ट बोला कि आप धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ से बात कर लें, कल भी हमने 12 जिले में ज्ञापन दिया तो उन्होंने बोला कि हम किसी प्रतिनिधि को भेज देंगे, तो शायद हमें जो उम्मीद है वो आज या कल में हमारा निस्तारण हो जाएगा, यदि निस्तारण नहीं होता है तो हम जो आमरण अनशन हमारा महेश जोशी जी तोड़ा के गए थे उसको पुनः शुरू करेंगे, और हम जो युवा साथी अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे यदि राजस्थान की सरकार सुनवाई नहीं करती है तो जो इनका आला कमान है दिल्ली में, जो इनका आला कमान है वहाँ उनसे बातचीत करनी चाहिए। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी का ये जो महापड़ाव है ये आज 42वें दिन में प्रवेश कराया गया है, और ये जो हमने राजस्थान सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारा आंदोलन चल रहा है पूर्णतः गांधीवादी तरीके से इससे हमने चलाया है, और सरकार के पास में भी हमारे लगातार मैसेज आ रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से चलाओ, आपका निश्चित रूप से सरकार का भी मैसेज सकारात्मक आ रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि आपकी जो ये मंत्रालय कर्मचारी है एक तरह से सरकार की रीढ़ की हड्डी होती है, और मंत्रालय कर्मचारी की बिना किसी भी योजनाओं की अपन सफलता किसी भी सूरत में नहीं ले सकते, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मंत्रालय कर्मचारी की जायज मांग है और इनकी मांगों पर शीघ्र निराकरण करें, जिससे कि ये 42 दिन से जो मंत्रालय कर्मचारी यहाँ बैठा हुआ है वो कार्यालयों में जाकर काम करें और जनता को राहत प्रदान करें, जिससे आपकी सरकार में एक अच्छा मैसेज जाए, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा ये विचार कर रहे हैं कि सत्ता हमारी पुनः लौटेगी, जिसमें ये मंत्रालय कर्मचारी है उसमें इनकी अहम भूमिका होती है मंत्रालय कर्मचारी की, अगर इनकी रीढ़ की हड्डी को सरकार कमजोर करेगी तो निश्चित रूप से सरकार भी कमजोर होगी, तो हम निवेदन करते हैं कि हमने क्या है 5 दिन तक मंत्रालय कर्मचारियों ने यह आमरण अनशन भी किया, जिसमें हमारे प्रदेशाध्यक्ष भी थे, जिसमें मैं खुद जिलाध्यक्ष कोटा से आमरण अनशन पे था, माननीय जो हमारे मंत्री जी है महेश जोशी जी वो इस आश्वासन पे तुड़ा के गए थे हमारा अनशन कि हम 3 दिन में आपका मांगों पर निराकरण कर देंगे, लेकिन आज 4th दिन है, इसलिए माननीय मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि जो मंत्रालय कर्मचारी की जायज मांगे हैं, हम कोई सरकार से अलग मांग नहीं कर रहे, हम एक न्याय की मांग कर रहे हैं कि एक हमें समकक्षता जो चाहिए, जो समान हमारे कैडर थे उनके समान वेतन दे दीजिए, या हमें जो हमारे बराबर का कैडर है जैसे एक पुत्र के दो बेटे होते हैं तो उनमें हम समानता की मांग करते हैं, ये सरकार से निवेदन करते हैं जिससे हम जाके काम कर सके। रामजीलाल मीणा, जिलाध्यक्ष कोटा। और मैंने तो आज देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।